चैनल, माय नेम इज शिवा एंड आज का टॉपिक है मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत सब लोगों की डिमांड होती है आजकल कि हम अपने बालों में कैसे लूज कर्ल्स या लॉन्ग कर्ल्स डालें विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेटनर। कई लोगों के पास नहीं होता है कर्लर या जिसे हम टोंग्स बनाते हैं, तो हम कैसे सिंपल एक स्ट्रेटनर यूज़ करके कैसे हम अपने बालों में कर्ल्स डाल सकते हैं आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, विच इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक। इसको यूज़ करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है एंड इट इज़ वेरी इजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टाई आवर हेयर्स। लाइक हमें थोड़ा सा सेक्शंस बनाने होंगे अपने बालों के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्टिंग करेंगे एंड हम अपने बालों को यहाँ पे टाई करेंगे। पास ये दो सेक्शन आते हैं। तो गाइज आई एम यूजिंग अ फिलिप्स सेल्फी स्ट्रेटनर जो कि मैंने खरीदा था आई थिंक 2-3 साल पहले, जो कि 1300 या 1200 का मुझे पड़ा था। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको हीट प्रोटेक्टिंग भी लगा सकते हैं अपने बालों पे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू स्किप। ये हम सेक्शन लेंगे एंड हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। ये देख सकते हैं आप क्या कर्ल आया। कैन यू सी, दिस इज द कर्ल दैट आई गॉट। कैन यू सी गाइस, दिस इज हाउ, हल्का सा एक ट्विस्ट। Guys, so these are the curls you get after doing with this straightener. My front section, and now I'm going to just detangle my hair once. ये front के hair, तो इनको थोड़ा carefully जिस भी तरफ को आपको direction का चाहिए उस तरफ को आप इनको twist कर सकते हैं। Final look. I love this wonderful, especially this curl jo face ke paas se gaya hai. This is an amazing curl that I got. Try kijiye and mujhe bataiye. Please apne aap ko jalaiyega nahi, because main to bahut baar jali hu. Jis din maine pehli baar curls kiye the and I got my hair burnt from the bottom, mein humne baal bahut jalaye the and uske baad मैंने एक दो दिन तक तो ट्राई नहीं किया। करना चाहिए, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो चाहते होंगे अपने बालों को कर्ल करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि हम कैसे करें, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो लेट्स डू इट। पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुखी मत हो जाएगा, आप सैड मत हो जाएगा, आप अपसेट मत होइएगा। ट्राई कीजिएगा, आप 3-4 बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा करना। एंड प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेल मी इफ यू ट्राइड कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। प्लीज़ डोंट बर्न योरसेल्फ, careful when you twist the straightener because it can be risky at times because your hair also gets heated and the straightener iron rod which you are handling it is also a little bit heated, so just make sure you don't burn yourself. Mujhe zarur batayega aapka experience kaisa raha pehla. See you, bye.